हेलो दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं निज़ामुद्दीन ब्रिज के ठीक नीचे। आप देख सकते हैं ये मेट्रो का पुल है, इनके नीचे आप देख सकते हैं ठीक यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर आपको कोई सहूलियत नहीं पहुँचाया गया। यहाँ पर कुछ लोग परेशान हैं जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, जिनकी कोई पूछने वाला तक नहीं है। तो इन भाई से वाला तक पूछते हैं कि क्या परेशानी है क्या नहीं है। जनाब एक बात बताइए, आप यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं? 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। आपको क्या नाम है सर आपका? मैं दर्शन सिंह। क्या? दर्शन सिंह। और आप लोग क्या काम करते हैं यहाँ पर? देवदारी करते हैं। और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है? कोई नहीं सुनवाई नहीं है। तो सर आप जब पानी का बहाव तेज हुआ आप किस टाइम? उस टाइम गाँव में चले गए थे, गाँव में थे, गाँव मौत हो गई थी, हम चले गए थे। अच्छा, तो आप लोगों को पता भी नहीं था? नहीं नहीं, पता नहीं था सर, पानी एकदम आ जाएगा। तो इनको लोगों को पता भी नहीं था कि यहाँ पर पानी शारे हुआ था। तो यहाँ पर इधर आ जाइए, बोलिए ना जनाब जो बोलना है। जब जमुना खादर में बाढ़ आती तो हर साल ऐलान कर देते कि हम बाढ़ आ रहे पानी छोड़ने वाला है। अच्छा, लेकिन अब की कोई ये नहीं बोला सरकार, गवर्नमेंट ने ना किसी को भेजा कि यहाँ पे बाढ़ आने वाली है, अचानक पानी छोड़ा गया। मतलब आपको बताया नहीं गया? ना, आपकी अलाउंस नहीं किया गया यहाँ पे, इन्फॉर्म किया गया ना? ना कुछ किया गया, ना कुछ नहीं। पानी छोड़ा जा रहा है हरियाणा की तरफ से। हाँ, जो इतना बहाव यहाँ कोई नहीं। आप अपना समय अगर बताया जाता तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। यहाँ पर अब लोग हम गीली लकड़ी जो थी सारी उजड़ चुके हैं। यहाँ पर गीली लकड़ी थे, जो सामान थे वो भी उजड़ चुके हैं। वो देखिए वहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखो सब कुछ, जो जितना बचा पाए बस उतनी बस बचा पाए। आप देख सकते हो कपड़े उठाने तक का उनको टाइम नहीं मिला। आप वहाँ पर देख सकते हो आप कपड़े वगैरह रखे, उनको उठाने तक का उनको टाइम नहीं मिला। इतनी जल्दी बारिश आई और इतना ज़्यादा बाढ़ आ चुका है यहाँ पर। और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर मगरमच्छ भी देखा गया है वहाँ पर, जो एकदम वो घर के पास या आसपास कहीं देखा गया। लोगों का कहना क्या कहेंगे सर, आपने देखा है क्या मगरमच्छ? घास में देखा है। कहाँ पर देखा था? वहाँ पर सामने वहाँ पर देखा था। हाँ, किस टाइम देखा था आपने? 11 बजे करीब आपने देखा था। हाँ, तो यहाँ का लोगों का कहना है कि यहाँ मगरमच्छ भी देखा गया है। और यहाँ पर सिर्फ मगरमच्छ से खतरा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों से खतरा है। सांप, बिच्छू, बहुत सारी अतरंगी जो जानवर है, जो सारे हैं वो उन सबसे खतरा है। लेकिन आज ये इस हाल में रहने के लिए मजबूर है। पीछे देख सकते हैं आप, इन्होंने थोड़ा सा ज़मीन से पानी से ऊपर है थोड़ा सा हिस्सा, वहाँ पर अभी रह रहे। तो सर यहाँ पर शिविर वगैरह रखे हैं, वहाँ पर आप क्यों नहीं जाना चाहते? और कहाँ गए हम बताइए, कोई कहाँ पर कहाँ पता रखें? नहीं हम कुछ बता नहीं, हम जाओ, किसी ने बोला नहीं हमसे, आपसे किसी ने किसी ने बोला नहीं वाली। आपको खाने पीने का क्या इंतजाम करके दिया? जो खाने में देखो, आप सोच लो अपने चाय पानी नाश्ता। सहूलियत मिला? कुछ मिला। कितने दिन से आप परेशान हैं? अरे आप देख रहे हो कितने, 1 तारीख से परेशान हो रहे हैं। 1 तारीख से परेशान हो रहे, आज 10 तारीख तक आप हो रहे हैं। आपको कुछ सहूलियत? कुछ मिला ना? कुछ खाने को? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं, कोई हालचाल पूछना आया? कोई नहीं आया। कोई हालचाल भी नहीं पूछना? कोई नहीं आया अभी तक। जनाब आप बताइए सर, आपको कोई पूछना आया यहाँ पर? यहाँ कोई नहीं। ये आप लोग रह रहे हैं ठीक है, और 10 साल से यहाँ पानी आई, बिल्कुल आई, और यहाँ तक ही आई, हमारी झुग्गी नहीं डूबी ठीक है, और नहीं डूबी हमारी झुग्गी। अब देखिए हमें नहीं पता चला, अब की बेर जो पानी आई है सर, ये पानी हमें पता नहीं चला कि कैसे आई है, और अचानक ही आई है, और आते ही जितना में हम सामान निकाले आधा, और आधा हमारी सामान बह गई। अब बताओ हम सामान कैसे लाया जाएगी, और हमें सुविधा कैसे मिलेगी, ये बताओ। 2-3 दिन पहले बोलना चाहिए इंसान को, बोलना चाहिए ना। अब आप पानी भर गई है, आप आके डंडा मारोगे भगाओगे, तो ये गलत बात है या नहीं है? अब हम एक बात सोचिए कि अगर हम चले जाएंगे यहाँ से, तो हमारे बच्चे, ये जो दिल्ली शहर है, यहाँ कम से कम 4-5 हज़ार रुपये से रूम नहीं मिलता है, और हम हैं, हमारा आदमी कमाने वाला है 10 हज़ार रुपये, उनमें हम रूम का किराया देंगे या बच्चे की परवरिश करेंगे या खुद खाएँगे? बताइए कहाँ से खाएँगे? इसीलिए हम इस जमुना जी में अपना थोड़ा सा शरण दे रखे थे। अब हमारा देखिए ये शरण में भी काफ़ी सामान हमारा चला गया, अब हम कहाँ जाएं और क्या करें और क्या ना करें, और सामान कैसे आएगी? आइए आप ही लोग, सामान चाहिए। खाने पीने का सर यहाँ कोई सुविधा नहीं रही, कुछ भी सुविधा नहीं रही सर। यहाँ से हमारी 10 झुग्गी है, यहाँ से लेकर वहाँ तक आप जाके पूछ सकते हैं, कुछ भी नहीं आई। जो हमारा आटा चावल रहा, हमने वही से गुजारा करा। एक दुकान हमारे नीचे रही, हमने उसी दुकान से उधार सामान ला करके अपने गुजारा करें, और हम जिसके द्वारे काम करें मालिक भी नहीं थे हमारे, जो हम पैसे ले लेते हैं। हमारी मेन प्रॉब्लम ये थी। और ये भी बात है, अगर हम बच्चे छोड़ के भी सामान लेने के लिए जाएं, तो सर यहाँ पानी की बहाव तो आप देख ही रहे हैं, तन्नक में बच्चे जाते तो डूब ही जाएंगे, बच्चे डूब जाएंगे। जब हम ही डूब जाएंगे तो ये बच्चे का क्या भरोसा, और ये छोटे छोटे बच्चे जाएंगे कहाँ, कैसे बैठे हैं? ये कब तक लगता है आप लोगों को, ये खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा? सर वैसे तो आज पानी कम हुई है,
ये बहाव आपकी देख लीजिए, ये पूरी थी, ये पूरी बहाव थी आप 20 तारीख तक, और ये पानी आप समझ लीजिए इतना कम, ये 20 तारीख कम 20 22 तक कम होगा, कम होगा 20 22 तक कम होगा कम, आप देख सकते हैं। अच्छा केजरीवाल जी से कोई सहायता ले भी है ना, अभी सहायता तो मैं बता ही दिया मैं, आप क्या बोले, खाने खर्चा चाहिए उसे सारे को उधर का खाना पीना व्यवस्था सगर कर रहे हैं, मेरे सबको तो भूखे मार रहे बच्चे सबको। तो आप देखिए यहाँ पर तो लोग इतना एरिया किसी से आज तक नहीं, नहीं। पुलिस प्रशासन वगैरह कोई कुछ नहीं आया, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर किसी से कोई मदद नहीं मिली इनको। और अगर आप यहाँ पर देख सकते हो वेडी से वगैरह भी काफ़ी परेशान है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं इनके, देख सकते हैं आप छोटे छोटे बच्चे जो हैं परेशान हाल में हैं। और अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक वीडियो पहुँचाइए कि इनकी परेशानी को जल्द से जल्द सॉल्यूशन मिल सके, इनको लोगों को कुछ मदद मिल सके सरकार की तरफ से। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।